विद्यार्थियों में से बिल्कुल अलग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके अंदर शिक्षा के प्रति सम्मान और ज्ञान अर्जित करने का वो जज्बा मौजूद है जो पहले के विद्यार्थियों में हुआ करता था। आप जिन परिस्थितियों में यहाँ पर है और उसी परिस्थिति में जितना हो सका अपने आप से बेहतर करने का कोशिश किया, बार बार समय मांगते रहे। यह अच्छी बात है कि जब तक हमारी तैयारी पूर्ण ना हो जाए तब तक हम प्रयास करते रहेंगे और आप लोगों ने इस तरह का प्रयास किया। विद्यार्थी विद्यार्थी रहते हैं और शिक्षक शिक्षक रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यही होता है कि शिक्षक उस जगह पर रह जाते हैं और विद्यार्थी उनसे कहीं दूर आगे पहुंच जाते हैं। और यह परंपरा आज से नहीं सदियों से चलती आई है और आगे सदियों तक चलती रहेगी। आप समाज के वो धरोहर हैं जिसके आधार पर आने वाले समय में भारत का विश्व स्तरीय स्थान होगा। आपकी लगन, आपके अनुशासन, यही भारत की पहचान होगी। और जिस परिस्थिति में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके घर की स्थिति कैसी है। आपके पिता, आपके मम्मी इन परिस्थितियों में इन समस्याओं का सामना कर और कितना दुख झेलकर आप लोग के लिए पैसा भेजते हैं। यह 24 घंटा हर व्यक्ति को मिलता है, चाहे वह जेल में हो चाहे इसरो के साइंटिस्ट। उन्हें भी 24 घंटा मिला और जो इसरो में वैज्ञानिक के रूप में हैं उन्हें भी 24 घंटा मिला। अब आपके हाथ में है कि आपका स्थान जेल में हो या ऐसे जगह पर हो जहां से आप लोगों का मार्गदर्शन कर सके। मौका जिंदगी में सबको मिलता है, हम हो, आप हो या कोई और हो, लेकिन उस मौका को सही मायने में इस्तेमाल कौन करता है। आप इस घर में जन्म लिए, कैसे स्थिति में जन्म लिए, किस परिस्थिति में है ये बहुत मायने नहीं रखता। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो आपका 100% है कि सफलता मिलेगी और आप राष्ट्रीय स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। इसका एक उदाहरण नहीं,